हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय सेल्फ जसप्रीत सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द ट्रैवलिंग गाइड। सो गाइस, सबसे पहले आपको 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं, आज का जो प्लान है हमारा थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में हम निकलने वाले थे, काफ़ी लंबी राइड पे जाने वाले थे, तो वो प्लान हमारा किस कारण से कैंसिल हो गया। तो सब आपको बता दूँ क्या करने वाले थे, क्या नहीं करने वाले थे। सो अभी छोटी सी राइड का प्लान है दोबारा से बनाया, तो छोटी सी राइड पे चलते हैं। उस राइड पे आपको सब मैं आगे का बताता हूँ। सो मिलते हैं आपको सीधा स्कूटी पे। आप सो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ घर से एंड जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, पिक करता हूँ, फिर हम जाएंगे इंडिपेंडेंस डे राइड। सो क्योंकि आपको पता ही है, आज के दिन जो है हर कोई इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है अपने हिसाब से। कोई रनिंग करता है, कोई साइकिलिंग करके करता है, कोई राइड करता है, मतलब हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, अपने तरीके से वो इन्जॉय करते हैं इस डे को। सो हमने भी प्लान किया है कि छोटी सी राइड पर जाने का अभी, एंड मॉर्निंग में भी काफ़ी अच्छा प्लान था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, आपको सब बताऊँगा। सबसे पहले हम अपने फ्रेंड को पिक करते हैं, उसके बाद आपसे करते हैं बातचीत। हम आ चुके हैं घर से, मेरे फ्रेंड को पिक कर लिया और अभी हम जा रहे हैं सिद्रा वाली साइड। अभी आप देख सकते हैं सामने एनवायरमेंटल पार्क तक हम पहुंच चुके हैं। आज एक्चुअली मॉर्निंग में भी हम जाने वाले थे, पूरा प्लानिंग वगैरह हो गई थी कल रात को, और काफ़ी अच्छी राइड प्लान की थी। एक्चुअली एक्सट्रीम मोटर्स जो सैनी कॉलोनी में है, रॉयल एनफील्ड का शोरूम है, वो हर साल जो है अपनी राइड प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो कम से कम 100 से 150 जो बाइक्स होती हैं वो राइड पे जाती हैं। हमारा भी कुछ ऐसा ही प्लान था, कल रात को पूरा डन हो चुका था। ऐसा था कि एक्साइटमेंट ही मेरे को इतनी थी, मेरे को तो रात को नींद भी नहीं आई थी उस चक्कर में। सो जैसे ही मॉर्निंग हुई, मॉर्निंग में रेडियो के पास निकलने लगे थे घर से और अपनी मीटिंग पॉइंट की तरफ, तो कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया और जिसकी वजह से कैंसिल करना पड़ी राइड को। और उसके साथ साथ बता दूँ मैं, रेनी सीजन है, आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश लगी हुई थी। और जो हमारी प्लानिंग हुई थी वो हुई थी कटरा वाली साइड जाने की, बाबा डंसर वाली साइड की राइड थी, 62 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है वन साइड का, तो 2.5 से 3 घंटे वहाँ पे हमें लगने थे। तो हमने सोचा कि बारिश का मौसम है, अगर यहीं से गीले हो जाएंगे तो इतना दूर तक कैसे राइड करेंगे हम। वैसे देखा जाए तो सेलिब्रेशन के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए थोड़ा इमोशनल भी होता है, हमें देश के लिए, क्योंकि गाइस 207 ब्रिटिशर्स ने जो है हम पे रूल किया है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो गाइस, एक दिन अगर कोई हम पे रूल करे हमें जीना मुश्किल हो जाता है। उस टाइम 200 साल लोगों ने कैसे बिताए होंगे हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद 200 साल के बाद हमें जो है इंडिपेंडेंस मिली थी, और इंडिपेंडेंस के बाद जो आपको पता है पार्टीशन हुआ था इंडिया का, कंट्री से कन्वर्ट हुई थी। उस टाइम भी काफ़ी सारी गुलमान हुआ था, सब सोच के मतलब मुझे लगता नहीं है कभी हम इस चीज़ को भूल पाएंगे। और उन सभी फ्रीडम फाइटर्स को मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हुए और आज हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो उस दिन तो रात थी, आपको अच्छी तरह से दिखा नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये हॉस्टल्स हैं सारे यहाँ पे बत्रा के, ये गर्ल्स हॉस्टल है और वो सामने बॉयज़ हॉस्टल है। यहाँ से जो व्यू दिखता ना, अभी आपको मैं पूरा एंड में जाके बताता हूँ, यहाँ से जो व्यू दिखता है इतना प्यारा दिखता है, सीरियसली बहुत सारे लोग यहाँ पे इवनिंग में आते हैं और यहाँ के वेदर का मज़ा लेते हैं और व्यूज़ का मज़ा लेते हैं, यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और यहाँ पे आके खड़े होकर पीते हैं। ये देखो अभी पहले ये झाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, बट अभी आ चुकी हैं, बरसात के मौसम में ऐसी झड़ी वगैरह लग जाती है, बट थोड़ी टाइम बाद ये खुद ही क्लियर कर देंगे माली वगैरह। यहाँ से देखो यार कितना प्यारा व्यू है, देख सकते हो ये पूरा हाईवे जा रहा है और यही हाईवे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे है। सुनिए, अभी मैं देख रहा था कि हर किसी ने आज गाड़ी के आगे फ्लैग्स लगाए हुए हैं, अपने मतलब बैचेस लगाए हुए हैं अपने यूनिफॉर्म में। सो ठीक है, अच्छी बात है, आप कर रहे हो, आपको मतलब देशभक्ति है आप में, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मत करना कि आज ही आज आपके दिल में देशभक्ति रहे, कल को ये फ्लैग जो है कहीं और मिले, रोड पे मिले या कहीं गिरे हुए मिले, ऐसा बिल्कुल मत करना। थोड़े अपने आप को अवेयर करो और इन सब चीज़ों से बचो। अगर आपने फ्लैग्स लिए हैं उनको घर पे संभाल के रखो। सो गाइस देख सकते हैं आप कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ पे, सीरियसली बता रहा हूँ, जब बारिश होती है ना, बारिश के दिनों में ना ये जो कलर्स होते हैं ना, ग्रीन ग्रीन कलर कुछ ज़्यादा ही निखर के आते हैं, कंट्रास्ट देखो कितना प्यारा लग रहा है। नॉर्मल डेज में ना ये फीके फीके लगते हैं, बारिश में इतने डार्क हो जाते हैं, देखने में मज़ा आ जाता है बिल्कुल। अभी हम टनल क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे टनल के बाद पकौड़े की शॉप भी आती है, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं ऑन द वे तो वहाँ से आप ले सकते हैं। वो देखो गाइस माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ग्रीनरी कितनी प्यारी है, जैसे कोटली वाली ये जो रिवर है ये वो ही है जैसे कोटली वाली, यहाँ पे हम नहाते हैं। आज बारिश हुई है, पानी देखो कितना गंदा हो गया, बारिश का ऊपर पहाड़ों से आ रहा हो गया मिट्टी,
वो देखो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे ना बारिश हो रही है तभी इतनी ज्यादा फॉग टाइप दिख रही है यहाँ से, बट क्या नजारा है गाइस। गाइस मैं भी YouTube स्टूडियो में देख रहा था कि 86% लोग मेरी वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सिर्फ 13 पॉइंट समथिंग लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ। गाइस तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो गाइस आप सब्सक्राइब करो। सारे राइडर जी, मेरे को लगता है जितना भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर है ना जम्मू के, सारे इसी तरह में बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं अभी का जो प्लान है, फिलहाल तो हम भाऊ फोर्ट वाली रोड पे हैं, ये जहाँ पे गंडोला लगा हुआ है, और अभी हम जा रहे हैं घूमट वाली साइड क्योंकि मेरे टेम्पर भी टूट चुका हुआ है फ़ोन का, और सोच रहा हूँ कि इस साइड आए हुए हैं तो यहाँ का चेंज करवा लिया जाए। जा तो रहे हैं वैसे घूमट वाली साइड, बट पता नहीं स्टॉप वगैरह ओपन होगी कि नहीं होगी। और ऐसे ही वीडियोस हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। सो टिल देन बाय बाय।